यस बेटा, हम पढ़ रहे थे ना कि थर्ड वाला फीचर इसका, ठीक है, समझ आ गया बेटा। अब इसके अंदर क्या होता है कि पीसफुल सॉल्यूशन निकाले जाते हैं, हर तरह की प्रॉब्लम्स को कोशिश की जाती है कि शांति पूर्वक सुलझाया जाए, चाहे वो मामला किसी भी तरह का हो, बड़े से बड़ा हो, छोटे से छोटा हो, लेकिन कोशिश यही की जाती है डेमोक्रेटिक फॉर्म में कि इसको आसानी से, आराम से, प्यार से, शांतिपूर्वक सुलझाया जा सके। ठीक है, तो जो आपने ये देखे हैं 3 अभी आर्गुमेंट्स आपने देखे हैं इसके लिए फेवर में डेमोक्रेसी के, दीज 3 आर्गुमेंट्स वर अबाउट द इफेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी ऑन द क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड सोशल लाइफ। तो आपको पता भी चल गई कि क्या क्वालिटी है डेमोक्रेसी, क्यों लोग फेवर में हैं इसके, क्यों इसके लिए आर्गुमेंट्स करते हैं कि इसके फेवर में आर्गुमेंट्स करते हैं सॉरी। ठीक है, तो यही एक रीज़न है कि डेमोक्रेसी सबसे अच्छी फॉर्म है गवर्नमेंट की। नेक्स्ट है, डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। आपको सबको पता है कि जो डेमोक्रेसी फॉर्म होती है ना, सिर्फ उसी के अंदर लोगों की रिस्पेक्ट की, शान की, जो लोगों की रिस्पेक्ट होती है वो की जाती है, क्या देकर, उनको इक्वालिटी देकर। बेस होता है, सबसे पहले लोगों को बराबर समझा जाता है, सबसे बड़ी विशेषता है ये डेमोक्रेसी की कि लोगों को इसमें बराबर समझा जाता है, इक्वालिटी दी जाती है ना, ताकि वो सब लोग अपने आप को उस देश का सिटीजन समझ सकें और उनको अपने आप को अहम मानने का मौका दिया जाता है इस सिर्फ डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आपका आता है, जैसे आप एक पॉइंट यहाँ पर भी दे रखा है, और एक सिर्फ डेमोक्रेसी ही गवर्नमेंट ऐसी है जो मोर अकाउंटेबल होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है अदर देन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है बेटा, और इसमें क्या होता है, जो हम लोग देखो, आपने देखा होगा किसी को कोई पॉलिसी पसंद नहीं आती है सरकार की, या कोई डिसीजन पसंद नहीं आता है, या फिर कोई किसी भी बात पर वो आर्गुमेंट्स करना चाहते हैं, तो आपने देखा होगा लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, धरना दे सकते हैं, ये सारी जो पॉसिबिलिटीज है ना, सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेटिक में। अगर आप सोच रहे हो कि जो मोनार्की होती है या फिर डिक्टेटरशिप होती है, इसमें भी हम इस तरह के आर्गुमेंट्स कर सकते हैं, इस तरह के धरने देकर बैठ सकते, मतलब ही नहीं है, या तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा या फिर आपको मर्डर कर दिया जाएगा, लेकिन आपकी बात को बिल्कुल नहीं सुना जाएगा अपने डिसीजन के अगेंस्ट। क्लियर है बेटा, तो इसीलिए लोग इसको प्रेफर करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका बेटा, जो डेमोक्रेसी है वो बेटर देन अदर अदर गवर्नमेंट से बहुत अच्छी है, इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। इसके अंदर सबसे और भी बड़ी एक अच्छी बात यह है कि अगर डेमोक्रेसी गवर्नमेंट कोई गलत डिसीजन, मैंने अभी पिछले पॉइंट में डिस्कस भी किया था कि अगर गवर्नमेंट कोई गलत डिसीजन ले लेती है या फिर किसी को वो डिसीजन पसंद नहीं आता, तो इसमें करेक्ट करने के लिए, अपने डिसीजन को, अपनी मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए भी स्पेस होता है डेमोक्रेसी के अंदर। वो अपने डिसीजन पर दोबारा सोचते हैं, दोबारा उसके ऊपर आर्गुमेंट्स करते हैं, और अगर वो किसी भी तरीके से मान्य नहीं होता है पब्लिक में, तो उसको वो सुधारते भी हैं। ये भी जो इसकी विशेषता है, वो सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ही मिलेगी आपको देखने के लिए। ठीक है बेटा, तो अब आप एक तो क्वेश्चन ये भी बन जाएगा इसके अंदर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड अनडेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये भी एक क्वेश्चन बन जाएगा। एक क्वेश्चन आपका बनता है बेटा कि लोग डेमोक्रेसी को अच्छा क्यों मानते हैं, एक क्वेश्चन ये रहा आपका, देखो व्हाई द डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्यों समझा जाता है, ये भी आपको अभी तक क्लियर हो गया, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ इस पैराग्राफ में, बिकॉज इट ऑफर्स बेटर चांसेस ऑफ अ गुड डिसीजन, इट इज लाइकली टू रिस्पेक्ट पीपल्स ओन विशेज एंड अलाउज डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल
टू लिव टुगेदर। इसमें क्या होता है कि अधिक से अधिक ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं, क्योंकि हमारा भारत एक डिफरेंट डिफरेंट कास्ट रिलीजियंस रेसेस से घिरा हुआ है, लैंग्वेजेस से घिरा हुआ है। तो गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा ये ध्यान रखती है कि डिफरेंसेस होते हुए भी लोग एक साथ रह सकें, लिव टुगेदर, इवन वेन इट फेल्स टू डू सम ऑफ दीज थिंग्स, इट अलाउज अ वे करेक्टिंग इट्स मिस्टेक्स एंड ऑफर्स मोर डिग्निटी टू द ऑल सिटीजन्स। अगर गवर्नमेंट ऐसा करने में कहीं फेल भी होती है या आनाकानी भी करती है, तो वो अपनी मिस्टेक्स को दोबारा ठीक कर लेती है सारे भारतीयों, सारे सिटीजन्स के लिए, नागरिकों को, उनकी शान को बढ़ाने के लिए वो अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव भी कर सकती है। और ये सिर्फ डेमोक्रेटिक फॉर्म में होता है, इसीलिए लोग इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इसको बेस्ट मानते हैं। वर्ल्ड की बेस्ट फॉर्म है हमारी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बेटा ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। यही है सारा का सारा कि इसका ब्रॉड मीनिंग क्या है। यही है कि इसमें सबको इक्वल रखा जाता है, सबको वोट देने का अधिकार है, सबकी डिग्निटी का ध्यान रखा जाता है, मिस्टेक्स को इम्प्रूव किया जा सकता है, जो भी फैसला होता है, डिसीजन होता है, वो कंसल्टेशन के थ्रू होता है। लंबा जरूर होता है टाइम फैसला आने में, लेकिन वो बेस्ट होता है। कोई किसी को ऐसा फैसला दिया जाता है जो किसी को कोई आर्गुमेंट्स करने का मौका ना दिया जाए। और इस सब के बावजूद भी कुछ ऐसा होता है तो अपनी मिस्टेक सुधारने की भी हिम्मत रखती है सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी फॉर्म। ठीक है बेटा, अब इसमें दो पॉइंट और दिए हुए हैं। मॉडर्न डेमोक्रेसी इन्वॉल्व सच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। इसमें ये दे रखा है बेटा, दो इसमें एक बातें बताई गई हैं कि जो डेमोक्रेसी है, हम कहते हैं ना कि हम सब पार्टिसिपेट करते हैं, सब पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हम कभी भी एक साथ बैठकर सरकार को अपने आर्गुमेंट्स नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, एक एक रिप्रेजेंटेटिव बना देती है। वो रिप्रेजेंटेटिव हमारे डिसीजन गवर्नमेंट तक पहुंचा देते हैं और उसके बिहाफ पर गवर्नमेंट पॉलिसीज बन जाते हैं, कानून बन जाते हैं। क्लियर बेटा, तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है आज। एक लास्ट पैराग्राफ है, ये मैं आपको और बता देती हूँ। दिस इज व्हाट डिस्टिंग्विश, ये है सारा वही जो चीज मैं बता चुकी पर फिर भी एक बार बताना चाहूंगी बेटा। ठीक है, दिस इज व्हाट डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसी फ्रॉम अदर गवर्नमेंट्स। आपको आर्गुमेंट्स करने भी आ गए इनके अगेंस्ट में, है ना, एक दूसरे का डिफरेंस भी कर सकते हो नॉन डेमोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक फॉर्म में, है ना। अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट लाइक मोनार्की है, मैं बार बार आपको बताती गई थी, ये भी मोनार्की, डिक्टेटरशिप और वन पार्टी रूल डू नॉट रिक्वायर ऑल सिटीजन्स टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स। डेमोक्रेसी मोनार्की और डिक्टेटरशिप में कभी भी सभी सिटीजन्स को इक्वालिटी नहीं दी जाती है, ना ही उनको इक्वालिटी में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। ठीक है, तो अब आप सभी बच्चे समझ चुके हैं कि क्या डिफरेंस है डेमोक्रेटिक और अनडेमोक्रेटिक कंट्री में, क्या मेरिट्स हैं डेमोक्रेसी की, क्या डीमेरिट्स हैं, और क्यों बेटर समझा गया है डेमोक्रेसी को। ठीक है, तो हम सभी समझ चुके हैं इस चैप्टर को अच्छे से। अब इसको एक बार आप भी साथ साथ रीड करते चलना, कल मैं आपको रिटर्न वर्क भेजूंगी, वो करना है जो हमारा रिमेनिंग रह गया है इस चैप्टर का। ओके?